जय दोस्तों, क्या हालचाल। और भाई वापस से आ गई एक नई वीडियो, ओप्पो और रियलमी एंको बर्स 2 नियो। अभी भाई ये रियलमी बर्स 2 नियो ना, इसकी प्राइसिंग ट्रिपल लाइन में देखने मिल रही है आपको फ्लिपकार्ट पे, और आपको ओप्पो का एंको बर्स देखने मिल रहा है 1299 में। ऑफर में लगाओगे तो 1199 में भी देखने मिलेगा। तो आपको इनमें से कौन सा बेहतर लगने वाला है, कौन सा अच्छा लगने वाला है, इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप 100 रुपये या 200 रुपये ज़्यादा दे रहे हो तो एंको बर्स में आपको क्या बेनिफिट देखने मिलता है, किसका ऐप अगर मोबाइल में ऐप में यूज़ करते हो तो किसका ऐप ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, किसकी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी लगेगी, किसकी गेमिंग क्वालिटी किसकी अच्छी लगेगी, किसकी माइक क्वालिटी किसकी अच्छी लगेगी, इन डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखना, वीडियो पसंद आती तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों। और सबकी बेस्ट बाइंग लिंक मैंने नीचे डाल दिए, तो फ्लिपकार्ट या अमेजॉन में अगर आपका प्राइम मेंबरशिप या प्लस मेंबरशिप है तो आप जाकर डायरेक्टली बाय कर सकते हो, आपको बेस्ट ऑफर देखने के लिए मिलेगा इस लिंक थ्रू, तो जाकर चेकआउट जरूर करना। सो गाइस, अभी अगर मैं लुक एंड फील की बात करूं और बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो भाई आपको रियलमी का जो ये ब्लू कलर में मैंने मंगाया है 999 में, ये काफी अच्छा लगेगा, काफी बल्कि लगेगा इस कंपेयर टू दिस। ओप्पो का काफी हल्का है इस कंपेयर टू दिस, लेकिन अगर मैं फिटिंग की बात करूं और क्वालिटी की बात करूं तो नो डाउट इसमें भाई ओप्पो एंको बर्ड्स काफी प्रीमियम है इस कंपेयर टू दिस। इसका फ्लैप देख रहे हो कितना हिंजी लगेगा, लेकिन आपका भी फील नहीं हो सकता इसलिए बता रहा हूं, लेकिन इसका काफी स्ट्रांग है, लेकिन इसका ऐसा नहीं है दोस्तों। पूरा देखो डाल दिया तो एकदम ऐसा होता है, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पूरा बंद हो जाता है और पूरा इसमें एक लॉक सिस्टम है, उसमें ऊपर खोलोगे तो लॉक में अटक जाएगा, वापस छोड़ोगे तो हो जाएगा। और इसमें देखो टैपिंग आवाज, तो फर्क है, आपको क्वालिटी फ़र्क पता चल जाएगा कि किसमें अच्छा है किसमें नहीं है। बाकी लुक एंड फील तो दोनों की जो बर्ड्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी आपको। रियलमी के जो बर्ड्स Q2 नियो है, इसका जो ईयरबड्स से थोड़े बड़े लगेंगे एज कम्पेयर टू दिस, तो वो एक चीज़ है। बाकी आपको इसमें ना सी टाइप देखने के लिए मिलता है जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, और इसमें आपको माइक्रो USB देखने मिलता है, तो ये बड़ा डिफरेंस देखने मिलेगा, तो वो एक चीज़ है इसके अंदर। इसमें आपको 20 घंटे की बैटरी बैकअप देखने मिलती है, इसमें 24 आवर्स की बैटरी बैकअप देखने मिलती है, तो ये दोनों में बैटरी बैकअप 4 घंटे का डिफरेंस भी आ जाता है इसके अंदर। और आपके एंको बर्ड्स में ना 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है, जबकि आपको इसमें सिर्फ 4.5-4 घंटे का बैकअप देखने मिलता है, तो ये आपको 2 घंटे का बड़ा डिफरेंस देखने मिलेगा इसके अंदर भी। और लाइफ रेट का इसमें आपको देखने मिलता है, और ऐसा कुछ इसके ऊपर दिया गया नहीं है अपने रियलमी के ईयरबड्स पे, तो ऐसा कुछ आपको लुक एंड फील और ऐसा कुछ क्वालिटी आपको देखने मिलती है। इंडिकेटर इधर आपको देखने के लिए मिलता है, तो उसको ओपन करते हो तो इधर इंडिकेटर आ जाता है, अभी देखो जिसके आप देख पा रहे हो, तो अगर इसको मैं निकालूंगा तो शायद इसका इंडिकेटर आएगा, तो इसका इंडिकेटर आता नहीं है, सिर्फ चार्जिंग के टाइम पे चालू होता है, लेकिन इसका इंडिकेटर आप ओपन ऑन करते हो तो इसमें भी आता है, तो वो एक चीज़ देखने मिलेगा। तो बाकी अभी बात कर लेते हैं दोस्तों, ये तो आपने लुक एंड फील की बात करी कि किसमें क्या चीज़ मिलती है, किसमें क्वालिटी किसमें अच्छी, और जैसे मैंने बता दिया ओप्पो की क्वालिटी आपको ज़्यादा बेहतर लगेगी 200 रुपये देने के ऊपर, तो आप समझ जाओ अभी क्वालिटी के लिए अगर आपको देखना है तो भाई ओप्पो एंको बर्ड्स ज़्यादा बेहतर है। बाकी बात कर लेते हैं अभी साउंड क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद आगे की वर्डिंग चालू करते हैं। सो गाइस, अगर मैं रियलमी बर्ड्स क्यू नियो की बात करूँ तो इसमें आपको AAC कोडेक देखने मिलता है, जैसे कि इसको ऑन ऑफ करेंगे तो SBC एंड AAC का कोडेक आपको देखने मिल जा रहा है इसके अंदर, तो फटाफट से भी करते हैं इसके साउंड टेस्टिंग। तो अगर तभी मैंने एंको बर्ड्स को कनेक्ट कर लिया तो इसमें भी आपको AAC का सपोर्ट देखने मिलता है, जैसे आप देख पा रहे हो ऑन कर रहा हूँ मैं इसको, तो ऑन कर देते हैं। तो गाइस, जैसे आपने दोनों की टेस्टिंग देखी तो सीरियसली बोलूंगा मेरे को रियलमी बर्ड्स Q2 नियो ना, इसका बेस काफ़ी ज़्यादा पंची लगा एज कम्पेयर टू ओप्पो। मतलब ओप्पो में भी काफ़ी अच्छा बेस है, लेकिन अगर पंचीनेस से जिसमें आपका कान शेक हो जाए तो आपको वो रियलमी बर्ड्स Q2 नियो में आपको देखने मिलेगा, जो कि बहुत ही तगड़ी चीज़ है। और बाकी अगर मैं साउंड सप्रेशन की बात करूँ, आइसोलेशन की बात करूँ, वोकल्स की बात करूँ, वो आपको ओप्पो एंको बर्ड्स में ज़्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि इसकी ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी है एज कम्पेयर टू रियलमी। रियलमी में थोड़ा रियलिस्टिक लगता है, लेकिन अगर आप म्यूज़िक के दीवाने हो और आपको हर एक चीज़ में परफेक्टली बैलेंस चाहिए तो आप ओप्पो एंको बर्ड्स के साथ जाना। मेरे हिसाब से ओप्पो एंको बर्ड्स साउंड के मामले में काफी तगड़े हैं, अगर आप 200 रुपए देते हो तो आपको वैल्यू फॉर मनी निकाल के भी देता है, तो वो एक चीज है, आप जाके चेकआउट जरूर करना। सो गाइस, अभी बात कर लेते हैं फटाफट से माइक क्वालिटी की, कि माइक क्वालिटी में कौन सा बेहतर है, किसकी कॉलिंग क्वालिटी सबसे अच्छी लगी और किसकी नहीं लगेगी, उसकी भी आगे बात कर लेते हैं। साउंड सुन रहे अपने रियलमी के बर्ड्स Q2 नियो से सुन रहे हो, इसकी माइक क्वालिटी आपको कैसे लग रही है मुझे जरूर बताना, और माइक की, क्योंकि अभी इसको कंपेयर करने वाले एंको बर्ड्स से उसकी भी क्वालिटी आपको देखने मिलेगी थोड़ी देर में। तो गाइस, चेंज करते हैं एंको बर्ड्स में। सो गाइस, अभी जो आप सुन रहे हो इसके एंको बर्ड से सुन रहे हो, इसकी जो माइक क्वालिटी रिकॉर्डिंग हो रही है इस वीडियो में, तो आपको कैसे लग रही है जरूर बताना, कुछ भी एडिटिंग नहीं होने वाला है दोनों की, इसमें डायरेक्टली रॉ फुटेज आपको देखने मिलेगी, तो माइक क्वालिटी पूरा घर के मामले में शूट कर रहा हूं मैं, तो कैसे लग रहा है जरूर बताना। और भाई अगर आप खरीदने का सोचो तो लिंक डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, जैसे आपने दोनों की टेस्टिंग देख ली, तो अगर मैंने नॉर्मल कंडीशन में यूज किया तो मेरे को एंको बर्ड्स काफी इंप्रेस किया, क्योंकि जो इसका पुराना वर्जन आता है एंको W11, जिसका भी प्राइसिंग अराउंड 1100 में, अभी शायद से डिसकंटिन्यू हो गया है प्रोडक्ट, लेकिन अगर मैं उसके साथ कंपेयर करता हूं
उसका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। और अगर मैं Realme Buds Q2 Neo के साथ भी कंपेयर करूँ तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगेगा Oppo के Enco Buds। अगर आप Realme के यूज़ करते हो और कॉलिंग करते हो, अगर आप बाहर चले जाते हो ना भाई और नॉइजी प्लेस में हो, तो सामने वाले को कुछ भी पता नहीं चलेगा आप मतलब क्या बात कर रहे हो, थोड़ी भी वॉइस नहीं जाएगी। और विंडी प्लेस में तो काफ़ी गंदा काम करता है। बाकी अगर मैं Oppo Enco Buds की बात करूँ, इसके मामले में इसमें दो माइक आपको मतलब टोटल चार माइक देखने मिलते हैं और मोनोपॉड जैसे दोनों को यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप ऐसा यूज़ करते भी हो तो इसकी माइक क्वालिटी आपको थोड़ी बेहतर देखने मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगा एकदम परफेक्ट है, लेकिन थोड़ी बेहतर देखने मिलेगी एज कम्पेयर टू Realme Buds Q2 Neo अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो ये चीज़ आपको माइक में भी फर्क देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस, अभी बात कर लेते हैं इसकी गेमिंग टेस्ट की, इन दोनों में गेमिंग टेस्ट में कौन सा बेहतर है, क्योंकि Enco Buds ऐसा ऑफर करता है कि 80 एम सेकंड जो कि लीडिंग है इस प्राइस रेंज के अंदर, 80 एम सेकंड तक का लेटेंसी देखने मिलता है। और आपको Realme के इसमें 88 एम सेकंड तक मतलब 8.8 का आपको फर्क देखने मिलता है मिली सेकंड का। तो गेमिंग टेस्ट फटाफट से करते हैं और देखते हैं कि सीरियसली ये फर्क है या नहीं। सो गाइस, जैसे आपने दोनों की ही गेमिंग टेस्ट देख ली दोस्तों, तो गेमिंग टेस्ट में मेरे हिसाब से सही में Enco Buds थोड़ा सा बेहतर है एज़ पर द क्वालिटी, एज पर द फुटस्टेप काउंटिंग, और थोड़ा लेटेस्ट से बेहतर है एज़ कम्पेयर टू Realme Buds Q2 Neo। तो वो एक चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आप समझ लो, अब गेमिंग के लिए भी अगर आप चूज़ कर रहे हो तो आपको कौन सा चूज़ करना है, मैंने जो है बता दिया आपको, आपको Enco Buds में थोड़ा कम लेटेंसी देखने मिलेगा। बाकी अगर मैं छोटी छोटी की बात करूँ, छोटे छोटे मेन मेन फीचर्स की, तो आपको Enco Buds में एक कॉलिंग मतलब आप वॉल्यूम कंट्रोल वाले फीचर मिल जाते हैं, जिसमें आप अगर राइट वाले को दबा के रखो तो आप वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हो, लेफ्ट वाले को दबा के रखो वॉल्यूम डिक्रीज कर सकते हो। तो ये वाला फीचर आपको Realme Buds Q2 Neo में नहीं देखने मिलता, जो कि आपको फंक्शन देखने मिलता है Oppo के Enco Buds में। दोनों में ही गेमिंग मोड मिलता है, आप डायरेक्टली ट्रिपल टैप से कौन से भी मतलब दोनों भी एयरबड्स में आप चालू कर सकते हो, जो कि आप ऐप में भी कर सकते हो, Realme लिंक ऐप या Hey Melody ऐप में जाके आप कर सकते हो। और Enco Buds Hey Melody को सपोर्ट करता है, पहले ये नहीं करता था। और भाई Realme Buds Q2 Neo का मुझे सबसे स्ट्रेंज चीज़ क्या लगा, इसमें एप्पल का सपोर्ट नहीं है। मतलब अगर आप एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हो, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो, तो आप अपने ऐप में इसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, ये नहीं दिखाता, सिर्फ एंड्रॉइड ऐप के लिए अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं Oppo Enco की बर्ड्स की बात करूँ, तो ये एप्पल में भी चलता है और Realme लिंक ऐप में भी चलता है, एंड्रॉइड में भी। तो ये दोनों में आपको फर्क देखने मिलेगा, और सबके बटन्स को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, ये ऑप्शन भी आपको दोनों में ही देखने मिलता है। बाकी IPX की रेटिंग भी आपको बेहतर Enco Buds में देखने मिलती है एज़ कम्पेयर टू इसमें। और माइक्रो यूएसबी का तो है ही लोचा कि मतलब आपको देखने मिल ही रहा है। सिंगल सिंगल ईयरबड्स अगर मैं बात करूँ, अगर आप ईयरबड्स सिंगल सिंगल यूज़ करते हो, तो Oppo Enco Buds में आपको ऑलमोस्ट 4.5 घंटे का बैकअप देखने मिलता है एज़ कम्पेयर टू दिस। इसमें 3-3.5 घंटे का मैक्स देखने मिलता है, तो वो एक फर्क देखने मिलेगा अगर वॉल्यूम 100% पे सुनते हो तो। तो ऑल इन ऑल ये था मेरा वीडियो, मैंने जो मेन पॉइंट है उसको मतलब आपको समझाने का ट्राई किया कि इसमें आपको क्या क्या बेहतर चीज़ देखने मिलती है और किसमें किसमें बेहतर नहीं देखने मिलती। तो आपको शायद इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिल चुकी होगी अगर आप लेने का सोच रहे हो, तो साउंड के लिए कौन सा बेहतर है, माइक के लिए कौन सा बेहतर है, गेमिंग के लिए कौन सा बेहतर है, नॉर्मल फीचर्स के लिए कौन सा बेहतर है, आप उसमें सब चीज़ आपको नॉर्मल समझ चुकी होगी। अगर भी डाउट है अगर इस दोनों ईयरफोन्स को लेके कि इनमें से कौन सा भी मेरे को लग रहा है कि ये फीचर है क्या, ये फीचर है क्या, ऐसा कुछ मन में डाउट है, तो आप कमेंट डाउन करके पूछ सकते हो, आग सचिन करके ये वाला हैशटैग लगा के आप बिल्कुल भी पूछ सकते हो, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ जैसे आपने प्रीवियस देखे होंगे। तो प्लीज़ जाके कमेंट करो, बहुत ज़रूरी है। और वीडियो पसंद आए होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग कोई ऐसी इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।